हेलो दोस्तों, आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन महंगी पेंसिलों के बारे में। तो मेरे पास कुछ ये पेंसिलें महंगी, तो इन पेंसिलों के बारे में आज हम बताएंगे कि कौन सी पेंसिल कैसी है और उनका क्या काम है। और हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि इन महंगी पेंसिलों के बीच में ये आर्ट लाइन क्या कर रहा है ना। तो ये आर्ट लाइन पेंसिल के बारे में भी कुछ है कि सीक्रेट बातें जो मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को और अच्छे से देखें ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से करें। तो दोस्तों, इन पेंसिलों में सबसे महंगी पेंसिल जो होती हैं, जैसे ये हमारा जनरल चारकोल पेंसिल हो गया, स्टेडलर हो गया, आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, इनके साथ साथ मैंने आर्ट लाइन पेंसिल रखा है। आर्ट लाइन पेंसिल दोस्तों, जैसे हम ये खरीद नहीं सकते, ठीक है। जैसे महंगी पेंसिल जो होती है वो कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये आर्ट लाइन जो है वो सेम इनका काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ये महंगी पेंसिल है ना, तो ये महंगी पेंसिल का भी काम सेम डिट्टो ऐसे ही होता है। बस आपके ऊपर है कि वो आप किस तरीके से उसको एक बराबर अपने हिसाब से कैसे करते हो, कैसे बैलेंस बनाते हो उस पेंसिल पे। और हाँ, ये थोड़ा बहुत इनमें ये खास बात है इन महंगी पेंसिलों में कि ये लेयर बाय लेयर बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा मर्ज होती हैं। बस इनमें ये मेरे को लगता है कि ये खासियत है। बाकी ये आर्ट लाइन जो है हमारी, ये आर्ट लाइन बहुत ज़्यादा अच्छा मर्ज भी होती हैं और बहुत अच्छा लेयर बाय लेयर। हाँ, कभी कभी किसी बॉक्स में ऐसा होता है कि ये गलती से, मतलब कोई सा 2B होता है वो 4B चल जाता है, जो 4B होता है वो HB 2B इस तरीके से चल जाता है। बाकी ये पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ इसे। स्टार्टिंग में मैं यूज़ करता था इसे। तो दोस्तों, आपको ये पेंसिल तो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अगर ये पेंसिल आपने आर्ट लाइन ये नहीं यूज़ करी तो। और अगर आप ये यूज़ करते हैं तो दोस्तों, मेरी सबसे फेवरेट पेंसिल है फेवर कैस्टर। ये स्टेडलर से सस्ती है, बट ये फेवरेट क्यों है, क्योंकि दोस्तों हम जो चीज़ बनाते हैं ना, शेडिंग करते हैं, तो उन शेडिंगों में जो डार्कनेस होती है, तो वो डार्कनेस के लिए ये पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये डार्क पेंसिल होती है जो अपने आप ही, मतलब इससे ज़्यादा डार्क होती है। तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा लाइट होती है पेंसिल, तो इसलिए मेरी ये फेवरेट पेंसिल है। इससे मेरे कुछ वर्क हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये मैंने इससे करे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनमें डार्कनेस और लाइटनेस क्या क्या है। और बाकी ये स्टेडलर का ब्लैक पेंसिल है, तो इसका यूज़ होता है, ये मर्ज नहीं होता इतना ज़्यादा, बट इसे विदाउट मर्ज आप बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और बाकी ये सब जो भी पेंसिल हैं, जनरल चारकोल पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, ये सब तो आपको आप यूज़ करते ही होंगे। और जनरल चारकोल पेंसिल है वो तो चारकोल मीडियम में आ जाती है, तो चारकोल की बात अभी नहीं करते हैं, बस वो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है तो ज़रूर मेरे को बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।